उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा पर विस्तार किया। जिसके बाद पार्टी की महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत रहेंगी। साथ ही आगामी राज्य में आने वाले हर चुनाव में हिस्सा लेंगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज इसी कड़ी में हमने जो है कि उत्तराखंड में महिला मोर्चा का गठन किया है, जिसमें 3 कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं और 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 1 संगठन महासचिव बनाया है, 1 संगठन समन्वयक बनाए हैं और 3 प्रदेश सचिव बनाए हैं। अब इन महिलाओं की ड्यूटी है कि इनको अपने अपने क्षेत्र में प्रभार दे करके ये आगे जिलाध्यक्ष और उनका गठन करेंगे। और महिलाएँ आधी आबादी इस देश की है और विशेषकर उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं पर आधारित है, इसलिए हम अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और जनता तक इन जन विरोधी नीतियों को उनके घर घर तक पहुँचा